नमस्कार दोस्तों, केजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट टू में यूनिट डिजिट के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट हर एक का हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 1, 5, 6। 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम टू सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ 21 का पावर 21, इसका हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो देखिए नीचे जो बेस है 21, ठीक है, तो 21 का यहाँ पे यूनिट प्लस पे कितना है? 1 है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है दोस्तों कि 1 का पावर हम लोग कितना भी करेंगे हमेशा कितना आता है? 1 ही आता है। तो इसीलिए 21 का पावर 21 करने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सेम आपका 25 का पावर 32, इसका देखते हैं हम लोग। तो देखिए 5 का पावर हम लोग कितना भी कर लें हमेशा क्या होगा? यूनिट प्लेस पे वो 5 ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5 का पावर 1 पे कितना आता है मेरा? 5 आता है। 5 का पावर 2 पे कितना आता है? 25 आता है। 5 का पावर 3 में कितना आता है? 125 आता है। तो देखिए हमेशा क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कितना भी पावर करें हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 5। सेम यहाँ पे 36 का भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है? 6 है। ठीक है, तो 6 का हम लोग कितना भी पावर करें हमेशा कितना आएगा? यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट 2 अगर हो। ठीक है, 2 का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2 का पावर 1 करने पे 2 आता है, 2 का पावर 2 पे 4 आता है, 2 का पावर 3 पे 8 आता है, 2 का पावर 4 पे 16 आता है, 2 का पावर 5 पे 32 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हर एक कब आ रहा है? 2, 2 कब आ रहा है? 4 इंटरवल के बाद आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि 32 का पावर 46 का यूनिट डिजिट कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32, तो 32 यूनिट यूनिट प्लेस में कितना है? 2 है मेरा। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस अगर 2 होता है तो क्या होता है? हर एक 4 इंटरवल के बाद सेम टू सेम वही का वही आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर रहेगा पावर यहाँ पे कितना है? 46 है। 46 को हम लोग भाग दे देंगे 4 से। ठीक है, और यहाँ पे केवल हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? रिमाइंडर आएगा 2। तो रिमाइंडर अगर 2 आता है तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिमाइंडर अगर 2 आता है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 4 आएगा। 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आने पे 2, रिमाइंडर 3 आने पे 8, और रिमाइंडर 0 आने पे 6 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मेरा 4। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट डिजिट अगर 3 रहे तो, 3 अगर यूनिट डिजिट रहा तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए 3 का पावर 1 करने पे आता है 3। ठीक है, 3 का पावर 1 करने पे आता है 3। 2 करने पे कितना आता है? 9। 3 करने पे कितना आता है? 27 आता है मेरा। 4 करने पे 81। अगर 5 निकालेंगे तो देखिए इसको गुना कीजिए 3 से, फिर से 3 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हर एक 4 इंटरवल के बाद वही का वही आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 43 का पावर 21, इसका हम लोग को निकालना है। 43 का पावर 21 इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पे कितना है यूनिट प्लेस पे? 3 है। तो देखिए 3 का क्या हो रहा है, हर एक 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को भाग दे देंगे 4 से। पावर यहाँ पे कितना है? 21 है, उसको भाग देते हैं 4 से।
तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा रिमाइंडर, एक आएगा। तो देखिए रिमाइंडर एक आने पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिमाइंडर एक आने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर यूनिट डिजिट अगर 4 का निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का पावर 1 करने पे 4 आता है, 4 का पावर 2 करने पे 16 आता है, 4 का पावर 3 करने पे 64 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 4 जो है कब आ रहा है, 2 इंटरवल के बाद आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ इसको कि कैसे बनाइएगा आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 24 का पावर 37 का आपको यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालिएगा। तो देखिए 24 में आपका यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 है। तो 4 का क्या होता है, हर एक 2 इंटरवल के बाद वही का वही आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर जो है 37 उसको भाग दे देते हैं 2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है, मैंने वही का वही आ रहा है। ठीक है, तो 2 इंटरवल के बाद जितना इंटरवल के बाद आता है उससे हम लोग पावर को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर 74 का पावर 76, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना बोल रहा है। तो यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 है। तो क्या होता है, 4 में क्या होता है, 2 इंटरवल के बाद वही का वही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, तो पावर को भाग, पावर कितना है यहाँ पे मेरा, 76 है। 76 को भाग देते हैं 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने पे मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो यूनिट इसका आंसर कितना हो जाएगा, उसका आंसर होता है मेरा, आंसर इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मेरा 6। नेक्स्ट आपका है कि यूनिट डिजिट 7 का हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए 7 का पावर 1 करने पे 7 आता है, 2 करने पे 49 आता है, 3 करने पे 343, 7 का पावर 4 करने पे 2401, 7 का पावर 5 करने पे 16807। तो देखिए 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी सेम टू सेम आ गया। कब आया, तो हर एक 4 इंटरवल के बाद आया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे 47 का पावर 34 निकालना है, इसका यूनिट यूनिट डिजिट निकालना है हमको। तो देखिए कैसे करेंगे, 47 में देखिए 7 है यूनिट प्लेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर जितना है पावर को भाग दे देते हैं 4 से, क्योंकि 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है 7 के केस में। तो यहाँ देखिए 34 को हम लोग क्या करते हैं, 34 को भाग देते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 2 आता है तो यूनिट प्ले यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट होगा मेरा 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। नेक्स्ट आपका है कि अगर यूनिट डिजिट 8 हो तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 8 का, तो 8 का पावर 1 करने पे 8 आता है, 2 करने पे 64 आता है, 3 करने पे 512 आता है, 4 करने पे 40 96 आता है, और 5 करने पे 32 768 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो कब आ रहा है, 4 इंटरवल के बाद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 98 का पावर 39, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, तो 98 में देखिए आप लोग, 98 में 8 है यूनिट प्लेस पे। तो 8 का क्या होता है, 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को भाग दे देते हैं 4 से, तो 39 को भाग देते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 3 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 3 आता है दोस्तों तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है आपका यूनिट डिजिट अगर 9 हो, 9 अगर यूनिट डिजिट हो तो क्या करेंगे हम लोग, 9 का अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे।
ठीक है, तो 9 का पावर 1 करने पे कितना आता है, 9 आता है, 9 का पावर 2 करने पे 81 आता है, 9 का पावर 3 करने पे 729 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो सेम टू सेम कब आ रहा है मेरा, 2 इंटरवल के बाद आ रहा है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 39 का पावर 77, तो देखिए 39 में 9 है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को भाग दे देंगे किससे, 2 से, क्योंकि क्यों, 2 इंटरवल के बाद वही का वही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 77 को भाग देते हैं हम लोग 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 to the power 105, 7 का पावर 105 में यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए 7 का पावर 105 में हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो 7 का केस में क्या होता है, 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है, तो हम लोग भाग दे देते हैं पावर को 4 से, तो 105 को भाग देते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये देखा दोस्तों, इसमें कितना आपको समय लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 3 to the power 65 इंटू 6 to the power 59 इंटू 7 to the power 71। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एक का इंडिविजुअल निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, तो 3 का पावर 65, 3 का पावर 65 इसका निकालना हम। ठीक है, तो देखिए 3 का केस में क्या होता है, हर एक 4 इंटरवल के बाद वही को वही आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को भाग देते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 1 आता है यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आते हैं 6 का पावर 59, 6 का पावर 59, तो 6 का पावर 59, 6 का पावर कितना भी रहे यूनिट डिजिट हमेशा उसका 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 7 का पावर 71, 7 का पावर 71, तो 7 में भी वही होता है, हर एक 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है, तो यहाँ क्या करेंगे, पावर को भाग दे देते हैं हम लोग, पावर कितना है 71, उसको भाग देते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 3 आता है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब क्या करते हैं, तीनों को हम लोग गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, 3 × 6 × 3 कितना आएगा, 54 आएगा, तो 54 यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कि 7 का पावर 95 - 3 का पावर 58, इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 का पावर 95, 7 का पावर 95 में तो 7 का क्या होता है, हर एक 4 इंटरवल के बाद वही का वही आता है, तो पावर को भाग देते हैं 4 से, तो 95 को भाग देने देंगे अगर 4 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। रिमाइंडर 3 आने पे यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। फिर 3 का पावर 98 58 देखते हैं, तो पावर को इसमें भी भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 3 - 9, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 29 लिखते हैं, 38 लिखते हैं, तो यहाँ देखिए कभी निगेटिव वैल्यू आता है, नहीं आता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो 3 - 9 करना हमको, तो हम लोग एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 13, 13 में से हम लोग अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यूनिट डिजिट पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सारे आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।